शाह फ्रॉम IIT धनबाद। फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहाँ हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुँचाने की। तो आज बस हमने ऐसे ही एक JEE एडवांस का पिछले साल का सम उठाया, 2020 का। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 17 ही आया था और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, क्योंकि इससे काफ़ी सारे हमारे एक साथ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जा रहे थे इंटीग्रेशन के। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको याद आ जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए तो और भी अच्छा है। क्वेश्चन था, एक फंक्शन दिया गया है हमको कैपिटल एफ, आर टू आर, डोमेन आर टू रेंज आर, और ये डिफरेंशिएबल है बोल रहा था, और एफ डैश, स्मॉल एफ डैश ही इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश वो कंटिन्यूस है बोल रहे हैं, और एक वैल्यू दी गई है एफ डैश की नहीं और एफ की, कि एफ एट एक्स इक्वल टू पाई माइनस सिक्स दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि सपोज ये कैपिटल एफ का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया और जीरो टू पाई ले लिया सिर्फ, गोइंग टू को डोमेन आर, तो ये ऐसे डिफाइन कर किया जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, ठीक है। और एक हमको इनपुट दिया गया है ये इंटीग्रल, इंटीग्रल जीरो टू पाई स्मॉल एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू, इसका वैल्यू दिया गया है, तो आपको फाइंड करना है स्मॉल एफ ऑफ जीरो। तो एक चीज तो हमको पता चल रही है यहाँ पर कि ये ना तो हमको फंक्शन एफ पता है स्मॉल एफ, ना तो हमको कैपिटल एफ पता है, हालांकि अगर एक भी इनमें से निकल जाए तो दूसरा निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एक रिलेशन है हमारे पास, लेकिन वो एक फंक्शन भी निकालना मुश्किल है कि वो फंक्शन एक्स का फंक्शन क्या बन रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर बन रहा है, ई की पावर एक्स बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यहाँ पर करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। हमको सिर्फ वैल्यू निकालनी है एक जगह पर, तो कुछ ऐसा ही किया जाए कि सीधा वो वैल्यू हमारे पास आए। तो एक तो मुझे पहली सबसे बेसिक चीज ये लग रही है करने जैसी कि ये जो इंटीग्रल दिया गया है इसमें क्यों ना सिर्फ एक ही फंक्शन यहाँ पर लगा दिया जाए, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ दोनों ना हो, सिर्फ कैपिटल एफ हो या तो सिर्फ स्मॉल एफ हो। लेकिन सिर्फ स्मॉल एफ में दिक्कत ये है कि जो कैपिटल एफ है ना वो ये है, देखिए इंटीग्रल जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, तब बन जाएगा ये इंटीग्रल सिर्फ स्मॉल एफ के टर्म्स में, लेकिन इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल एफ डैश एक्स है उसको हटाकर कैपिटल एफ के टर्म्स में डालेंगे, तो वो कहां से आएगा हमारे पास, इस रिलेशन से। इस रिलेशन से कैसे आएगा, तो आप देखिए अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं अब, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो कैपिटल एफ डैश एक्स आ गया, अब राइट हैंड साइड पर आपको पता है डिफरेंशिएट अगर आपको इंटीग्रल साइन के नीचे करना है तो आप न्यूटन लीबनिट्स रूल लगाते हैं। न्यूटन लीबनिट्स रूल क्या होता है कि सपोज एफ टू ऑफ एक्स से लेके एफ वन ऑफ एक्स तक मेरा कोई इंटीग्रल है एक्स के टर्म्स में, और एफ ऑफ एक्स मेरा इंटीग्रल है, तो इसका मुझे अगर डी बाई डी एक्स करना हो तो न्यूटन लीबनिट्स रूल ये बोलता है कि ये फंक्शन जो भी आपका होगा अंदर इंटीग्रेंड, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे, उसके अंदर आप वो लिमिट्स की वैल्यू रखिए, यानी कि एफ ऑफ एफ वन एक्स रखिए, और इसके साथ आप इस अपर लिमिट का मल्टीप्लीकेशन रखिए, और फिर माइनस एफ ऑफ एफ टू एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स के अंदर मैंने ये लोअर लिमिट रखी, और फिर इस लोअर लिमिट का मैं डिफरेंशिएट यहां पर मल्टीप्लीकेशन में डाल दूंगा। तो ये होता है न्यूटन लीबनिट्स रूल। तो इस हिसाब से अगर इसको हम करें इसी रूल से, तो क्या आएगा, सबसे पहला टर्म एफ ऑफ एक्स आएगा, एक्स डाल दिया मैंने टी की जगह पर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एक्स के डिफरेंशिएशन से, क्योंकि वो मेरी अपर लिमिट है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू वन आ जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो, जो कि जीरो हो जाएगा, तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इसका क्या मतलब आया, तो न्यूटन लीबनिट्स रूल हमने लगा दिया, तो इसको हटा देते हैं, और हमारे पास हमारा पहला रिलेशन क्या आ गया कि एफ कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। लेकिन मुझे इंटीग्रल में चेंज तो क्या करना है, एफ डैश एक्स को कैपिटल एफ के टर्म्स में रखना है, तो इसको आप देखिए एफ डैश स्मॉल एफ का डैश चाहिए मुझे, तो इस इक्वेशन को एक और बार हम डिफरेंशिएट कर देते हैं,
तो यहाँ लेफ्ट में तो एफ डबल डैश आ गया कैपिटल वाला, और यहाँ पर स्मॉल एफ डैश एक्स आ गया। तो मुझे पता चल गया अब कि जो स्मॉल एफ डैश एक्स है वो मेरा कैपिटल एफ डबल डैश है। तो इसको रखते हैं इंटीग्रल में, इंटीग्रल मेरा बन जाएगा 0 टू पाई कैपिटल एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, इसको हटा देते हैं अब। तो अब मेरे पास जो इंटीग्रल आया वो सिर्फ कैपिटल एफ के टर्म्स में आया। अब मुझे यहां से कंटिन्यू करना है। तो अगर मैं देखूं इसको थोड़ा सा और अच्छे से, तो ये थोड़ा थोड़ा, तो इसके पहले हम एक दूसरा इंटीग्रल देखते हैं। जैसे आप मुझे बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू दी एक्स एफ एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे, है ना, e का पावर x को छोड़ दिया तो f डैश x आ गया, और फिर एफ एक्स को छोड़ दिया तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही आ गया। ठीक है, इसमें से e का पावर x लेकिन कॉमन निकल रहा है तो ये बन गया f डैश x प्लस f ऑफ x। ठीक है ना, तो अब आपको याद होगा आप इंटीग्रेशन में एक फॉर्म पढ़ते हैं, एक फॉर्म आप पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इंटू f डैश x प्लस f ऑफ x dx, और आप इसका डायरेक्टली हम वैल्यू लिख देते हैं e का पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स, नहीं e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। ये क्यों लिख दे रहे हैं हम, ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं हम? तो आप देखिए ये जो चीज है ना e का पावर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये क्या था हमारा d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू e का पावर x, है ना, इसी को डिफरेंशिएट किया था तो e का पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x आया था हमारे पास। तो देखिए ये हुआ क्या, मैं इस फंक्शन के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं। तो मैं अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं और उसको फिर से इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे पास वो फंक्शन ही एज इट इज आ जाना चाहिए, लेकिन इस बार हम प्लस सी भी लिख देंगे क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव कर दिया मैंने तो यहां पर एक कॉन्स्टेंट का भी अगर मैं डेरिवेटिव लेकर उसको इंटीग्रेट करता तो ये सेम चीज आ सकती थी, तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। और सपोज इसको अगर लिमिट्स होती, सपोज ए टू बी, तो ये सी नहीं आता और यहां पर लिमिट लग जाती ए टू बी और इसकी वैल्यू आ जाती कुछ एफ ऑफ बी इंटू ई रेस टू बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू ई रेस टू ए। फिर अगर मुझे कैपिटल एफ ऑफ ए पता होता, ए पता होता और बी पता होता तो मेरे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू आ जाती, कुछ ऐसा ही लग रहा है इस क्वेश्चन में भी। देखिए एक वैल्यू दी गई है और दूसरी वैल्यू निकालनी है, लेकिन स्मॉल एफ की कैपिटल एफ का इंटीग्रल बना है हमारा, तो लेकिन ठीक है क्योंकि हमारे पास ये वाला रिलेशन है कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के बीच में, तो वो हो जाएगा ऐसा कुछ लग रहा है। एक और चीज देखते हैं हम, जैसे हम इसको ऐसे लिख दे रहे थे अभी तो कि जो e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बन रहा है, इसको मैंने, ये तो मुझे पता था ना कि ये e का पावर x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव बन रहा है, अगर नहीं पता होता तो क्या करते हम? तो हम शुरू करते हैं ऐसे कि हम इसको पहले तो दोनों इंटीग्रल्स को तोड़कर लिख देते, और फिर आप क्या करिए एक को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना शुरू कीजिए। सपोज मैं इस पहले इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना शुरू करता हूं, और क्योंकि मुझे पता है कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स आने वाला है तो इसीलिए मैं e का पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं और एफ डैश एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लेता हूं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, और ये तो इंटीग्रेशन एज इट इज ही है e का पावर x fx dx। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है,
माइनस इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स एफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स एफ एक्स डीएक्स आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, और इंटीग्रेशन में पार्ट्स करने पर भी फाइनल आंसर ई का पावर एक्स एफ एक्स ही आ रहा है इस इंटीग्रेशन का। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं कि अब इसको लगाना कहां पर है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाली अगर चीज लग रही है तो। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कॉस एक्स बाय एक्स इंटू माइनस एल एन एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, ये अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो इसको इंटीग्रेशन करना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो आप यहां पर ऑब्जर्वेशन आप क्या करिए कि देखिए, अगर मैं कॉस एक्स को एक फंक्शन पकड़ू तो माइनस साइन एक्स उसका डेरिवेटिव यहां पर दिख रहा है, और इस टर्म में अगर मैं एल एन एक्स को एक फंक्शन पकड़ू तो उसका डेरिवेटिव 1/x मुझे यहां पर दिख रहा है। तो ये ऐसा हो रहा है, देखिए यू वी डैश प्लस वी यू डैश डीएक्स, ये ऐसा बन रहा है, और इसीलिए ही तो ये चीज क्या है, लेकिन डी बाई डीएक्स ऑफ यू वी प्रोडक्ट रूल का एक्सपांशन है ये, और इसीलिए हम कर दे रहे थे उस वक्त कि डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, जैसे उस केस में हुआ ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसी को हमने ऐसे तो आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसी को हम अगर इंटीग्रेट करते तो क्या करते देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सिर्फ एक इंटीग्रल को आप इंटीग्रेट करिए और एक को छोड़ दीजिए। तो मैंने माइनस एल एन एक्स साइन एक्स डी एक्स को छोड़ दिया और सिर्फ मैं इंटीग्रल कॉस एक्स बाय एक्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा। तो आप देखिए, क्योंकि मुझे एल एन एक्स चाहिए तो मैं 1/x को इंटीग्रेट करूंगा, तो उसको सेकंड फंक्शन मानूंगा और इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा। तो ये आएगा कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू एल एन एक्स डीएक्स, और ये माइनस इंटीग्रल एल एन एक्स साइन एक्स डीएक्स तो था ही, और ये देखिए क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल साइन एक्स एल एन एक्स डीएक्स और ये माइनस इंटीग्रल एल एन एक्स साइन एक्स डीएक्स, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स एल एन एक्स आता है। तो ये एक चीज होती है इंटीग्रेशन में, जब हमको बहुत नामुमकिन सा लग रहा हो अगर इंटीग्रेशन, और आपको ऐसा दिख जाता हो कि एक फंक्शन के साथ किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरी टर्म में उस फंक्शन का डेरिवेटिव, और ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाए। सपोज ये होता, सपोज ये होता अगर आपके पास, तो इसको देखकर कैसे करते, इतना तो पता चल रहा है कि टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। तो वही हम लगा देते कि इंटीग्रल 3x² tan 1/x को मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देता और दूसरे को छोड़ देता, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे तो क्या आएगा, देखिए tan 1/x का तो मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो उसको मुझे ऑफ कोर्स फर्स्ट फंक्शन मानना होगा और सेकंड फंक्शन हम इसको मानेंगे, ठीक है ना। तो tan 1/x जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 3x² का इंटीग्रेशन x³ आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x³ तो आएगा ही और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो tan 1/x का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले तो tan का डेरिवेटिव आ जाएगा 6² 1/x इंटू 1/x का डेरिवेटिव, चेन रूल की वजह से 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x² dx। देखिए x² नीचे का और ये 3 है तो ऊपर एक x बच गया अब, और ये माइनस साइन -1/x² का माइनस साइन और ये माइनस साइन बन जाएगा प्लस, तो ये बन क्या गया टर्म, इंटीग्रेशन x इंटू sec² 1/x dx, और ये क्या था हमारे पास माइनस, ये तो था ही माइनस इंटीग्रल x sec² 1/x dx, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं और सिर्फ ये बच रहा है x³ इंटू tan 1/x। तो आप समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने पर इंटीग्रेशन बाय कैंसलेशन मेथड से हमको कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस के आंसर्स मिल जा रहे हैं। तो क्यों ना अब इसमें वो चीज लगा कर देखें हम, है ना। तो इसमें भी वैसी ही चीज दिख सकती है अगर आपको प्रैक्टिस की है आपने तो।
इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको सपोज पहले तो तोड़ कर लिख देते हैं, 0 to π f डबल डैश x इंटू कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to π f x कॉस एक्स, ठीक है ना, ये 2 दिया है। तो इसको पहले तो इस पहले इंटीग्रल को हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स करते हैं सच दैट कॉस एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन हो और f डबल डैश x मेरा सेकंड फंक्शन हो। तो कॉस एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, और इस बार लिमिट लगेगी 0 to π, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल 0 to π डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन एक्स इंटू जो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आया है एफ डैश एक्स डीएक्स, ठीक है ना। और ये तो था ही प्लस 0 to π एफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स, ये तो था ही। तो चलिए ये इसको जरा कंप्यूट कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है आप देखिए, पाई डालने पर कॉस पाई होता है -1 और ये कैपिटल एफ डैश पाई बन गया, माइनस 0 डालने पर कॉस 0 तो होता है 1 इंटू एफ डैश 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमने कंप्यूट कर लिया। और अब बचा क्या हमारे पास, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स का जो आया है वो, तो ये प्लस इंटीग्रल 0 to π एफ डैश एक्स साइन एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल 0 to π एफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स बन जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं कट रहा है, आप बोलेंगे, आपने बोला ये लगा कर देखिए और ये कट जाएंगे, दो इंटीग्रल्स कट जाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि आपको जब आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उस चीज को और एक बार लगा कर देखिए। जैसे हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स में एक इंटीग्रल करते थे एक्स साइन एक्स डी एक्स का, तो वहां पर आपको 2 बार इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना पड़ता था। सेम चीज यहां पर भी आप 2 बार इंटीग्रेशन में पार्ट्स करिए। अगर मैं अब इसको करूं 2 बार, जैसे इंटीग्रेशन 0 to π एफ डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स को मैंने इंटीग्रेट किया बाय पार्ट्स, तो साइन एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन, इसलिए ये 0 to π साइन एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 to π साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स इंटू ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो देखिए ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो वो तो सब चला जाएगा। तो ये क्या आ रहा है एक्चुअल में, माइनस इंटीग्रल 0 to π एफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स। तो इंटीग्रेशन 0 to π एफ डैश एक्स साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल 0 to π एफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स आ रहा है, ये माइनस इंटीग्रल 0 to π एफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स आ रहा है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखिए सॉल्व हो गया हमारा सम। सिर्फ यही है, इतना ही चीज है जो ये पूरा इंटीग्रल है उसका वैल्यू। तो इस चीज का वैल्यू 2 दिया है, 2 इज इक्वल टू -1 इनटू एफ डैश पे। लेकिन आप देखिए यहां से रिलेशन आया था हमारे पास कि कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ एक्स के बराबर है, तो कैपिटल एफ डैश पाई क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ पाई, और कैपिटल एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ 0, है ना। तो बस इसी को हम रखते हैं यहां पर, तो -1 इंटू कैपिटल एफ डैश पाई स्मॉल एफ ऑफ पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ पाई। लेकिन एफ ऑफ पाई की स्मॉल एफ ऑफ पाई की वैल्यू दी गई है -6, तो माइनस ऑफ -6 माइनस स्मॉल एफ ऑफ 0, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि अगर हमको ऐसे फंक्शंस अगर इंटीग्रेशन के अंदर कॉस एक्स या फिर 1 की पावर x के साथ अगर आ जाए, तो हमको हमेशा इंटीग्रेशन में पार्ट्स ट्राई करना है, ठीक है ना, ऐसे समझने। तो बस आपको अगर जेई मेन में भी ऐसा सवाल आता है कि जब आपको आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन आपको u v' + v u' टाइप अगर दिख रहा हो, तो आपको वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो आपको वहां पर आंसर आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली,
या फिर दूसरा हो सकता है कि आपको एक एंड पर वैल्यू दी हो और वो डेफिनेट इंटीग्रल हो और आपको दूसरे वहां पर आपको वैल्यू निकालनी हो, तो आपको फंक्शन हमेशा पता करने की जरूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है किसी इंटीग्रल से। तो बस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि हम ऐसे और वीडियोस लेकर आ सके एडवांस्ड के लिए और आपको अभी आने वाली एडवांस्ड एग्जामिनेशन के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू। Thank you.